आइडियोलॉजी, द वर्ड आइडियोलॉजी नजरिया इज नाउन एज आइडियोलॉजी इन इंग्लिश. आइडियोलॉजी मीन्स सच ए प्लान और प्रोग्राम एज इज बेस्ड अपॉन फिलोसॉफी एंड एप्लीकेशंस टू सॉल्व पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल इशूज एंड प्रॉब्लम्स. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन गिविंग इन द वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया, आइडियोलॉजी इज अ सेट ऑफ पॉलिटिकल एंड कल्चरल प्रिंसिपल्स ऑन विच अ नेशन और सिविलाइजेशन इज बेस्ड. इन द वर्ड्स ऑफ जॉर्ज ब्रॉस, एनी प्लान ऑन प्रोग्राम ऑफ कॉमन लाइफ बेस्ड अपॉन थिंकिंग एंड पॉलिटिकल फिलोसॉफी इज कॉल्ड आइडियोलॉजी. डियर स्टूडेंट्स, द आइडियोलॉजी इज अ वर्ड ऑफ इंग्लिश विच इन उर्दू मीन्स नजरिया. आइडियोलॉजी इज सच ए प्लान और प्रोग्राम एज इज बेस्ड अपॉन फिलोसॉफी इन एप्लीकेशन टू सॉल्व पोलिटिकल, सोशल, कल्चरल इशूज एंड प्रॉब्लम्स. अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन गिवन इन द वर्ल्ड एनसाइक्लोपीडिया, आइडियोलॉजी इज अ सेट ऑफ पोलिटिकल एंड कल्चरल प्रिंसिपल्स ऑन विच अ नेशन और सिविलाइजेशन इज बेस्ड. In the words of ideology, in the words of George Brass, any plan or program of common life based upon thinking and philosophy is called ideology. George Brass says, any plan or program of common life based upon thinking and philosophy is called ideology. So, a plan which is based upon the philosophy in common life thinking is called ideology. Ideology is the base of our political, cultural and social life. Every people, whether they are Pakistanis, Indians, Americans, Germans, whatever their nationalities is, they live their life according to some ideology. This was the definition of ideology. In coming videos, we'll be looking at sources of ideology. What are the sources of ideology? And then we will try to explain one by one in detail. Thank you very much, dear students.